हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। साथियों, वैकेंसी आ रही है एनएचएम में। नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पर जो वैकेंसी है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के पद के लिए वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है। बैचलर डिग्री आपको यहाँ पर चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है ऑल इंडिया से। 25,000 रुपये तक आपको इसके लिए सैलरी दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। 18 वर्ष से 43 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और 3,965 पदों के लिए यह भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन करने की साथियों अंतिम तारीख है 14 अक्टूबर 2019 तक। कोई भी महिला पुरुष अभ्यर्थी सभी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें क्या फीस देनी है, क्या और डिटेल्स है, उसके लिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। साथियों, ये नेशनल हेल्थ मिशन का जो वैकेंसी है, मुंबई महाराष्ट्र से ये विज्ञापन जारी हुआ है। पोस्ट यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है। जो इसकी क्वालिफिकेशन है क्या क्या होनी चाहिए ये आप देख लें। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए यूनानी मेडिसिन में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में। अगर इस तरह की कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है आप ये देख पाएंगे। रायगढ़, पालगढ़, ठीक है, ऐसे ऐसे जो जगह दी हैं यहाँ यहाँ पर ये पोस्टिंग होगी जो अभ्यर्थियों का सलेक्शन होगा। सैलरी यहाँ पर आपको 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक अपॉइंटमेंट तक आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और इसके लिए जो आपको आवेदन करना है वो जो अभी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा उस पूरे फॉर्म को फिलअप करना है। साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद, साथ में इनकी फीस का ड्राफ्ट लगाने के बाद, आपको इनके दिए हुए ये जो एड्रेस दिए हुए हैं कहीं पर भी आपको 14 अक्टूबर 2019 से पहले रजिस्टर्ड डाक से पोस्ट करना होगा, या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक, ठीक है। तो ये हेड ऑफिस के एड्रेस वगैरह दिया है, यहाँ से आप इनको पोस्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको जो फीस वगैरह देनी है वो मैं अभी दिखा देता हूँ। सिलेक्शन कैसे होगा, इनकी जो मेरिट होगी आपकी मेरिट के अनुसार शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके अनुसार आपको एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। फिर यहाँ पर एक आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, ठीक है। ये रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आएगा ये भी यहाँ पर दिया है, आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। और उसका रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन पूरा प्रोसेस है। फीस यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या देनी होगी आपको। फीस यहाँ पर देख रहे हैं 350, यानी 350 रुपये आपको रिजर्व कैटेगरी को देनी है। और बिना जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, इस तरह के अभ्यर्थियों को 500 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। अब छूट वगैरह लगाकर आपको 43 आयु होनी चाहिए। वैसे जनरल कैटेगरी में 38 वर्ष मैक्सिमम आयु यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है आयु, ठीक है। तो ये आपकी आयु सीमा हो गई। अब साथियों यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये देख लीजिए फॉर्म है, इस फॉर्म को आप आसानी से भर लीजिएगा। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर फिलअप करनी है। प्रिंट ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इस फॉर्म का, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको पूरा फिलअप करना है, साथ में इसके नीचे आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं पर भी भेज सकते हैं, कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह सब दिया है। ये आपकी वैकेंसी है कि पालघर जहाँ पे भी आप आवेदन करेंगे वहाँ पर कितनी सीट है, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर नीचे तक दी है। हर जगह की वैकेंसी दी है, तो लगभग 4,000 वैकेंसी है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। जिस भी जगह आप आवेदन करना चाहें वहाँ की वैकेंसी पूरी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। तो ये इस भर्ती से संबंधित पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।